आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थिति पाठी। जिस कोरोना वायरस से देश के तमाम राज्य बेहाल हैं, उससे एक वक्त में छत्तीसगढ़ ने जंग जीत ली थी। कुछ दिन पहले ही की बात है कि प्रदेश में महामारी पर तगड़ा वार कर इसे तकरीबन खत्म कर दिया गया था, लेकिन बीते 8 से 10 दिन में किलर कोरोना ने जो कमबैक किया है उससे सबके होश उड़ गए हैं और अब इससे जल्द बचना आसान नहीं होगा। हालांकि इससे सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि राज्य में अब तक कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से प्रदेश के तकरीबन हर संभाग में कोरोना फैल चुका है, इससे आने वाले समय में स्थिति काफी भयावह हो सकती है। संक्रमण के कुल केस 150 के पार चले गए हैं। प्रदेश में अचानक जो कोरोना विस्फोट हुआ है उसकी वजह क्या है, क्या इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है या फिर केंद्र? सवाल ये भी है कि क्या प्रवासियों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बेहतर तैयारियां नहीं की गई? आज इन सवालों का जवाब हम जानेंगे, साथ ही रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां कांग्रेस सरकार बनाने के बाद 15 महीने बाद ही 22 विधायकों जिसमें 6 मंत्री भी थे एक साथ बगावत कर हाथ से सत्ता से दूर कर दी थी हाथ को और 22 उपचुनाव किया गया। 22 बागियों की सीटों के साथ जौरा और आगर सीट को विधायकों के निधन की शुरुआत हुई है। इन पर ऐतिहासिक चुनावी दंगल होना है। ये चुनावी दंगल इसलिए ऐतिहासिक होगा क्योंकि पहली बार किसी राज्य में उपचुनाव से सरकार बचेगी या फिर जाएगी। प्रदेश की जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उस पर मायावती की बसपा भी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि पार्टी सभी 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव अपने बूते पर लड़ेगी। उपचुनाव में किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। अब ऐसे में सत्ता का संग्राम और दिलचस्प होने की उम्मीद है। खैर, ये कितना दिलचस्प होगा इस पर भी बात करें होगी, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं जहां किलर कोरोना ने कमबैक किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कब तक चलेगी इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि लड़ाई लंबी चल रही है, इसलिए तैयार रहे और सावधानी बरतें। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई तक चलेगा। इसके बाद केंद्र सरकार परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेगी। हालांकि कई राज्यों में जो स्थितियां हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि घर से बाहर निकलने की बंदिशें खत्म हो पाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी हालत ठीक नहीं है। प्रदेश में मई के तीसरे हफ्ते में कोरोना का जोरदार विस्फोट हुआ है और कुल केस 150 के भी पार चले गए हैं। प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना पांव पसार रहा है ठीक उसी गति से राजनीति भी तेज हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को हालातों के बिगड़ने का दोषी बता रहे हैं। खैर, असल वजह क्या है, कमी आखिर कहाँ रह गई है, इस पर चर्चा शुरू करें। चले इसके पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में किलर कोरोना का कमबैक, कुल केस 150 के पार। प्रदेश के 28 में से 18 जिले प्रभावित। बड़ा सवाल, एकदम से वायरस विस्फोट का कौन है जिम्मेदार? कोरोना के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ ने जो कामयाबी हासिल की वो बहुत ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह पाई। एक वक्त प्रदेश में कोरोना का तकरीबन खात्मा हो गया था, लेकिन बीते एक हफ्ते में लगातार प्रवासियों की वापसी से हालात बिगड़ गए। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 90 के करीब एक्टिव केस हैं, हालांकि अब तक 62 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वैसे सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन मजदूरों की वापसी के बाद जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है वो चिंता बढ़ाने वाली है। प्रदेश में किलर कोरोना के कमबैक के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को इस वायरस विस्फोट का जिम्मेदार बता रहे हैं। विपक्ष ने कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के प्रयासों को फ्लॉप बताया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि कोई अव्यवस्था नहीं है। सत्ता पक्ष के मुताबिक बीजेपी की केंद्र सरकार की वजह से इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। रेड जोन वाले मरीजों को आइडेंटिफाई करके उनकी विशेष जाँच की व्यवस्था नहीं करेंगे
तो ये स्थिति और विस्फोटक बनेगी, चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इस परिस्थिति को पैदा किया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में जांच नहीं कराई, और अब मजदूरों के घर आने पर अगर कोरोना के कुछ मामले सामने आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करेगी? इस गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी राजनीति को छत्तीसगढ़ के लोग सहन नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना जितनी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, उतनी ही तेजी से पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। कोरोना फैलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खैर, ये राजनीति तो चलती रहेगी। जरूरी है कि लोग अब पहले से और ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि इस वक्त सावधानी अगर नहीं बरती तो फिर कोरोना वायरस से संक्रमित होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से सत्या राजपूत की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कमबैक, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता है रमेश मरल्यानी जी और बीजेपी प्रवक्ता है संजय श्रीवास्तव जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ है स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? आए बाहर आई हमारी स्टूडियो में? नहीं, सब अच्छा है। हम भी बहुत इंतजार कर रहे थे, बहुत गैप हो गया लंबा। हाँ, आपने याद किया, आपने उसके लिए धन्यवाद। जी 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 जी, लंबा हो गया, पर क्या करें, पूरा विश्व इसमें है, हम और आप भी इसकी चपेट में हैं निश्चित तौर पर। साथ में हमारे अरविंद सिंह कुशवाहा भी हैं। पहले बल्लानी जी, आप ही से शुरू कर लेते हैं। निश्चित तौर पर अभी आपके प्रवक्ता ने कहा किसान विरोधी, मजदूर विरोधी और न जाने क्या क्या विरोधी कह दिया। ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बर्दाश्त कैसे नहीं करेंगे, केंद्र में उनकी सरकार है, बहुमत में है, करेंगे क्या आप? नहीं, बर्दाश्त तो ऐसा है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, उसका कार्यकाल है जी। लेकिन त्रिपाठी जी, चिंता की बात यह है जी कि हर मामले में यदि केंद्र सरकार केवल प्रयोग करते रहेगी जी और देश को संकट में डालते रहेगी तो कैसे होगा जी। जनता को तो हमारा बताना पड़ेगा ना, जनता को कि जिनको आपने चुन के दोबारा भेजा है उनका हाल क्या है जी। नोटबंदी जल्दबाजी में की, नोटबंदी से अनेक लोग मर गए जी। और जिस कारणों के लिए नोटबंदी की थी कुछ नहीं हुआ। जीएसटी में भी ऐसे ही हुआ, जीएसटी के चलते देश की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई। अब कोरोना संकट में भी सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश इस स्थिति में पहुंच गया है। आपने हवाई जहाज से आने के लिए समय दिया कि एक हफ्ते बाद हवाई जहाज बंद करेंगे जी, लेकिन चार घंटे में अंदर लॉकडाउन कर दिया और करोड़ों की संख्या में मजदूर जहां थे वहां फंस गए। जहां फंस गए जी, वहां पर मजदूरों के लिए यदि आप व्यवस्था करा देते उनके खाने पीने की, रहने की, तो मजदूर आज जो पलायन के लिए विवश है जी, लाचार और बेबस है जी, और जिस दिन से पलायन हो रहा है और अलग अलग राज्यों में संगठित रूप से जा रहे हैं जी, तो ये एक नया संकट खड़ा हुआ है जी। इसलिए केंद्र की जिम्मेदारी बनती है, और समय रहते केंद्र ने यदि काम कर लिया होता, ये तो ट्रंप के स्वागत में भी जीते जी। जनवरी में जब 9 जनवरी को रिपोर्ट हो गया था कि यहां कोरोना का संक्रमित मरीज मिला है, और 24 फरवरी को ट्रंप साहब के लिए पूरी सरकार लगी रही, उसके बाद भी आपने कोरोना के प्रति चिंता नहीं की, क्योंकि एमपी की सरकार को गिराना था और जो एमएलएस थे वो अलग अलग राज्यों में थे, हवाई जहाज से कैसे आते जी। तो आप मार्च तक खींच दिए। यदि ट्रंप साहब के जाने के बाद ही तत्काल यदि आप कदम उठा लेते और विदेशों से आने वाले जहाजों को रोक लेते तो मैं सोचता हूं कोरोना संकट कम होता, और ये जो अचानक लॉकडाउन करके आपने लोगों को आने जाने के लिए की जो सुविधा थी उसने वंचित कर दिया। बरलानी जी, आज मजबूरी में बरलानी जी थोड़ा सा लोग मजदूर जो आ रहे हैं जिस स्थिति में जी, बरलानी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे हम अब उन जो आपके प्रवक्ता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उनके अलग अलग जो बयान हैं उनके हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, आप भी जानते होंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन करने में देरी कर दी, दूसरी तरफ कल ही आपके किसी प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन पहले 6-7 दिन 8 दिन का समय देते और उसके बाद लॉकडाउन करते, तो हम क्या माने यहां, इन्होंने देर कर दी या इनको और समय देना था? आपके ही नेताओं के, आपके प्रवक्ताओं के, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के ये बयान है, मैं आपका सुनना चाहता हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन करने के पहले कुछ निश्चित समय देना था, ताकि जो मजदूर भय के मारे देखिए उस समय सब गाड़ियां चल रही थी जी, गाड़ियां चल रही थी तो आराम से लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाते जी। आज स्थिति यह है कि
पति यहाँ है, पत्नी और कहीं है, बेटा अलग है, बाप अलग है, अरे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, सारे परेशान है लोग जी। तो एक समय देते, जैसे आपने कहा कि एक हफ्ते बाद हवाई जहाज बंद होगा जी, वैसे ही आप एक हफ्ते बाद कहे थे लॉकडाउन होगा जी। तो ये एक व्यवहारिक सोच होती है, और लॉकडाउन करने के पहले जैसे बाद में सभी मुख्यमंत्रियों से बात करी जी, वैसे ही पहले मुख्यमंत्रियों से बात करते, विपक्ष के नेताओं से बात कर लेते, विचार विमर्श से कई नई चीजें आती हैं और व्यवहारिक धरातल की चीजें आती हैं, यहाँ विमर्श का अभाव है जी। बिल्कुल नहीं, हमने नहीं कहा, आपने कहा जैसे हमने कहा कि आठ दिन बात करते, ये हमने नहीं कहा, हमने ये कहा कि आपके अलग अलग कांग्रेस के बड़े नेताओं के ये बयान आए हैं कि एक ने कहा कि लॉकडाउन करने में देरी कर दी, तो दूसरे ने कहा कि लॉकडाउन करने में पहले 6-7 दिन का समय मांगते, इसमें हम किस बयान को डिलीट कर दें? आप जो कहेंगे उस बयान को मान जाऊं गलत है कि पहला या तो लॉकडाउन में देरी ये गलत है, या लॉकडाउन 4-5-6 दिन का समय कर और दे देते। नहीं त्रिपाठी जी, दोनों जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं जी, अलग अलग समय पे अलग अलग उन्होंने बात कही है, ये बात सही है जी, कि फरवरी के महीने में ही, जनवरी में ही जब आपको मालूम पड़ गया था, तो ट्रंप साहब के कार्यक्रम के बाद आपको लॉकडाउन की व्यवस्था करनी थी, और जब कभी लॉकडाउन करना था तो एक हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए था जी, जी, जी। यदि यही लॉकडाउन फरवरी में हो जाता, एक हफ्ते का समय मिल जाता, तो आज जिस विषम परिस्थिति में देश फंसा हुआ है प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर, वो स्थितियां नहीं बनती। और लॉकडाउन के बाद तो संक्रमित लोगों की, मरीजों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बल्ले ने, इसमें अनेक कारण है, इसमें थोड़ा भी नहीं जाना चाहता। आप पशों पेड़ से फंस गए कि किस नेता के बयान का समर्थन करें, किसका विरोध करें। एक बघेलखंड में कहावत है, नहीं पशों पेड़ में नहीं है जी, बघेलखंड में एक कहावत है बल्याणी जी की, भयगत सांप छाप छछूदर की, ना उगलत की ना लीलत की। अब सांप ने खा लिया, उसको अब सोचता है कि निगलू या उगलू। तो किस नेता का, एक नेता ने, आपके बड़े नेता ने कहा कि लॉकडाउन में देरी की, एक बड़े नेता ने कहा कि 6-7 दिन का समय देना था। खैर ये मुद्दा अलग है। संजय जी, आज जिस कोरोना को कंट्रोल करने में अमेरिका, इटली, सब बड़े बड़े देश नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्या आपको नहीं लगता उसमें छत्तीसगढ़ में जैसे शुरू में आया था, पूरा उन्होंने एक साथ कंट्रोल किया, एक भी कोरोना का एक भी पेशेंट छत्तीसगढ़ में नहीं था, कोरोना मुक्त हो गया था। ऐसी स्थिति में अगर प्रवासी जो मजदूर हैं वो आ रहे हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, तो उसमें भूपेश सरकार का कहां दोष है? सबसे कम 150 मात्र, अभी जिसमें बहुत सारे एक्टिव पेशेंट उससे भी बहुत कम है, ठीक होके जा चुके हैं, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी जी, एक्चुअली कोरोना संक्रमण लगभग 60 दिन हो रहे हैं, लगभग 2 महीने पूरे हो रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर जी, और जो तमाम प्रकार के बयान की आपने बात किया कि बयान में पशुपेश में क्यों कांग्रेस के नेता हैं, एक्चुअली मानसिक रूप से संक्रमण कांग्रेस के नेता हो चुके हैं जी, और मानसिक रूप से उनकी बात में मैं मेरा पहले जवाब दे दीजिए, दिक्कत क्या आखिर इसमें राजनीति, मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। मैं आ रहा हूँ जी त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ विषय पर, थोड़ा सा शुरुआत मैंने की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि देश के अंदर में नहीं, दुनिया में ये कोरोना संक्रमण फैला हुआ है जी। और जिन एडवांस कंट्री हम जिनको मानते थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इटली हो, ये तमाम प्रकार के एडवांस कंट्री के रूप में हमारे बरसों बरस से, जब से हम लोग पैदा हुए, इन देशों को हम एडवांस कंट्री कहते हैं जी। लेकिन आज पूरे समूचे विश्व के अंदर में ये कोरोना संक्रमण का दौर है जी। और ऐसे समय में कांग्रेस कोरोना को लेकर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करती है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है, जिसकी शुरुआत मैंने की थी जी। अब मैं बहुत लंबे विषय पर नहीं जाना चाहता, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जी। देखिए छत्तीसगढ़ का ये हाल है जी, मुझे लगता है कि ठीक है, नंबर ऑफ जो मरीज थे उसमें छत्तीसगढ़ की शुरुआती जो दौर था जी, जहां पर यह स्थिति बनी हुई थी कि जांच भी नहीं हो पा रही थी, वहां पीपीई किट्स नहीं थी, वहां किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था जी। और एक बात और मैं बता रहा हूं जी, कि जिस तरीके से अभी ये संक्रमण बढ़ा है जी, यहां तो ये है कि कितना इलाज हुआ, कि कितना संक्रमण हुआ, क्या स्थिति बनी है, कितनी बातों को दबाया जा रहा है, मेरा खुला आरोप है। जिस तरीके से तेज गति से संक्रमण बढ़ा है, ये आज छत्तीसगढ़ पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हम इस चक्कर में थे
कि हमारे यहाँ नहीं बढ़े। मेरी भी इच्छा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ना चाहिए, कोई बीजेपी का विषय नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन के ऊपर में सवाल खड़ा किया गया, दो दिन है, चार दिन है, पांच दिन है, मैं तो ये कहता हूं कि छत्तीसगढ़ इससे बच गया कि लॉकडाउन जो अचानक हो उसके कारण आज छत्तीसगढ़ बचा हुआ है। यदि लॉकडाउन दो दिन तीन दिन बाद बता के किया जाता तो ये लॉकडाउन पहले हो चुका था। संजय जी मेरी बात तो सुन, मोदी जी के पहले हम लोगों ने कर लिया था 15 तारीख। मेरी बात जो ट्रेनों के आवागमन की बात कर रहे हैं, यदि उसमें केंद्र सरकार समय देता तो वो लाखों की संख्या में मरीज जो आज आ रहे हैं, अर्थात थोड़ी बहुत यहाँ पर सुविधा हो सकती है, क्वारंटाइन है आपके, यहाँ पर एम्स है, किट्स वगैरह हैं, यहाँ पर जांच हो रही है, उस समय इनके पास में शून्य की स्थिति बनी हुई थी और शायद वो संक्रमित मरीज इस प्रदेश के अंदर में यहाँ पर प्रवेश कर जाते तो भयावह स्थिति निर्मित हो जाती। इस बात को कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। आरोप इसलिए लग रहे हैं कि आज दो महीने के बाद भी जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो पा रही है, यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में सांप काट ले रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग जा रहे हैं, अर्थात क्वारंटाइन सेंटर जो विषय था, जो राज्य को करना था कि राज्य के अनुकूल की स्थिति थी कि राज्य को उस पर ध्यान देना है, लेकिन सरकार ने केवल क्वारंटाइन तक की व्यवस्था को नहीं कर पाया, जांच तक की व्यवस्था को नहीं कर पाया, जिसका दुर्भाग्य कि पहले चरण में जो हम कम दिखाई दे रहे थे, एकदम से आज समाचार पत्र में आया है कि लगभग 14 से 21 मई के बीच में 73 मरीज, एक हफ्ते के अंदर में 73 पॉजिटिव मरीज यहां पर आए हैं। ये विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का फेल्योर है कि आप केवल क्वारंटाइन सेंटर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। संजय जी क्वारंटाइन सेंटर की बात अलग है, लॉकडाउन ऐसा हो जाना चाहिए। संजय जी एक मिनट, ये मजदूर अगर बाहर से आ गए हैं तो इसमें भूपेश सरकार का दोष है जो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है, एक बात। दूसरी बात, जो लाखों मजदूर, 1 लाख के लगभग मजदूर क्वारंटाइन है, ये प्रवासी क्वारंटाइन है, तो कहां क्वारंटाइन है अगर सेंटर नहीं है तो? नहीं, यहां पर लाखों की संख्या, लगभग 3 से 3.5 लाख जो मजदूर हैं, जिसकी संख्या भी आ रही है गाहे बजाए। शुरू में तो सरकार ने छुपाने का प्रयास किया कि 1.25 लाख है, लेकिन अभी लगभग जो आ रहा है 3 लाख आने वाले मजदूरों के लिए आपके पास आ रहे हैं। संक्रमित मरीज आ रहा है, उनको आप क्वारंटाइन तो करें ताकि वो जो फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बचे। आज वहां पर मरीज नहीं, आज यहां पर मोहल्लों से लोग समझ में आ रहे हैं, किसी कॉलोनी के अंदर में कोई पकड़ाई नहीं आ रहा है, ये स्थिति है कि आप उनको क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे हैं, लोग दूसरों के संपर्क में आकर इस तरह छत्तीसगढ़ के अंदर में अब ये संक्रमण फैल रहा है। आप यदि उनको लॉकडाउन कर दें, आप उनको यदि संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन कर दें, एक भी व्यक्ति दाएं बाएं न जाए, तो शायद हम उसको वहां पर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कोई कंट्रोल व्यवस्था नहीं है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, बिस्तर नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, लोग मजबूर होकर भाग रहे हैं और प्रशासन चुप बैठा है। इनके कमिश्नर बिलासपुर के आज पेपर में बयान आया है कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। ये स्थिति सरकार की है। संजय जी एक मार्मिक सवाल मेरे मन में कोंध रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूं ये सवाल करने के लिए आपसे। आप कोरोना से मरते या नहीं मरते, आपको भी मालूम होगा, बहुत ही मार्मिक दृश्य है, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। 100 से ज्यादा, 1,000 किलोमीटर पैदल चल के छोटे छोटे बच्चे, वो मर गए, 100 से ज्यादा मजदूर काल कालवित हो गए, वो कोरोना से मरते या नहीं मरते, इसका दोष किसको आप देंगे? जैसा बल्यानी जी कह रहे हैं, मेरे अंदर भी सवाल उठ रहा है कि अगर 7 से 8 दिन समय दे देते, 6 दिन समय दे देते, केंद्र सरकार के पास तमाम सुविधाएं होती है, सारी ट्रेन चला देते, सारी परिवहन चला देते, अरे एक रैली, बड़ी नेता की रैली सफल करने के लिए 500-700 बस लगा दी जाती है। अगर उन सब मजदूरों को, जिसमें छत्तीसगढ़ के, आपने पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ की एक लड़की कर्नाटक और वहां से चलते चलते छत्तीसगढ़ तक पहुंचते 16 किलोमीटर पहले मर जाती है भूख से, इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? देखिए त्रिपाठी जी, आपका सवाल बहुत मार्मिक है और इस मार्मिक सवाल के साथ हम लोग भी, हमारी भावनाएं भी जुड़ी हैं। हम इसके कोई विपरीत नहीं जा रहे हैं लेकिन जिस तरीके से देश और दुनिया के अंदर में कोरोना फैला है, कोरोना का संक्रमण जो जितना भयानक है कि संक्रमण से जिस तरीके से बढ़ता है,
आज यदि सवाल किया जाता है कि यदि एक इस तरह के एक मरीज पाया जाता है पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है, पूरे एरिया में वहां पर उसको हम लॉकडाउन कर देते हैं, ये संक्रमण एक ऐसा भयानक संक्रमण था उस समय सरकारों को निर्णय लेना पड़ता है। यदि हम लेट करते यही सरकारें जो अपोजिशन की सरकारें जिनको राजनीति करना है ये हम पर सवाल खड़ा करते, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मजदूर आए या मजदूरों की मौत हुई या मजदूरों के साथ में कोई मार्मिक घटनाएं हुई, ऐसा नहीं है, उसके लिए दिल हमारा नहीं दहलता है, लेकिन सरकार को एक बड़ा निर्णय करना पड़ता है। आज कह रहे हैं, कभी सवाल करते आपने स्वयं किया कि भैया इतने जल्दी क्यों कर दिए, कोई कहते इतना लेट क्यों करे, कुछ समय और दे देते, तो ये प्रश्न प्रतिप्रश्न लगातार खड़ा होता है। और एक और मैं बता दूं, केवल इसमें आप दूसरे को उंगली नहीं उठा सकते, आपके पास में आज यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में यह है कि आपके पास में निर्धारित जो पलायन करके बाहर गए इनके पास में रिकॉर्ड में रजिस्टर में दर्ज संख्या नहीं कि कितने मजदूर गए, अधिकृत में आपको बयान दे सकता हूँ 1.25 लाख, और आज पेपरों में आ रहा है कि 3.5 लाख, 3 लाख, 3.5, यही अधिकृत बयान आ रहा है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर्ड करना है, पंजीयन करना है, उनके लिए सुविधाएं मांगना है, उनके लिए आप राशि के लिए लड़ रहे हो कि हमको ट्रेन का किराया नहीं दे रहे हैं, बाद में सोनिया जी कहती है तो आप किराया दे देते हो, ये कोई विषय है क्या राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि देश के सामने, देश की सरकार के सामने पूरे देश को संभालना है, राज्य का विषय नहीं है, आप राज्य का विषय नहीं है, आप लोगों को हवाई जहाज की सुविधा दे सकते हो, गरीब मजदूर को आप फ्री में ला सकते हो, बाहर के लोग क्या भारतीय नहीं है, बाहर के लोग भारतीय नहीं है, आप कह दो हवाई जहाज वाले के लिए प्रायोरिटी है आपकी, ऑन रिकॉर्ड आप कहो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोटा के लिए आपके पास है बस, मजदूर के लिए क्यों नहीं है, मेरा सवाल मजदूर के लिए हम तो तैयार है, मजदूर के लिए बस नहीं दी आपने, बिल्कुल दे रहे हैं, और वहाँ राजनीति को पहुँचा रहे हैं, मजदूर ऑटो का नंबर दे रहे हैं, मजदूर पहुँचा रहे हैं, ऑटो का दे रहे हैं, 900 ये राजनीति हो रही है, प्रश्न नहीं, प्रश्न यदि आप करेंगे तो प्रश्न आपके सामने भी है, बिल्कुल है, कोटा के लिए बस है आपके पास, कोई आर्थिक नियोजन नहीं, 1000-2000 बस आपने कोई तैयारी नहीं है, अचानक लॉकडाउन कर दिया आपने, चलिए आपको देश को इसीलिए 1.5 साल में स्थिति खराब हो गई भूपेश बघेल सरकार की, हमारी खराब नहीं हुई है, मोदी जी खराब हुई है, अभी कोरोना को चौपट कर दिया, अरे अभी कोरोना का जो कमबैक छत्तीसगढ़ में हुआ उससे बात कर ले, बल्याणी जी आप सवाल करेंगे, हम एक सवाल और छोटा सा उम्मीद करता हूँ संजय जी आप का धारा प्रवाह जो उत्तर चलता है वो तो एक घंटे डेढ़ घंटे चल सकता है, लेकिन हमारा छोटा सवाल ये है कि आपने कहा कि स्थिति बहुत भयानक हो सकती थी अगर लॉकडाउन तुरंत नहीं करते, उस समय अगर परिवहन रेल सेवा बस सेवा से अगर मजदूर आ जाते तो इतने ही पॉजिटिव निकलते ना, क्या पैदल आए हैं इसलिए ज्यादा पॉजिटिव आ गए मजदूर, अरे उस समय भी आते और उनको सही समय पे कम से कम भूखे नहीं मरते पहुंच जाते, उनको क्वारंटाइन कर देते उस दौरान, आप ही से संजय जी सवाल है, और अब पैदल आए हैं तो ये कांग्रेस सरकार का दोष है, संजय जी आपसे, त्रिपाठी जी जो पैदल आ रहे हैं जी इस पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, हम नहीं कह रहे हैं, राजनीति क्या होती है भाई, सुन लीजिए, तथ्य है, एक मिनट, और आज 2 महीने के बाद क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे हैं, पहले क्या करते इस समय जी, उस समय तो इनके पास एक भवन नहीं था, एक पीपी किट नहीं था, क्या बात करते हैं, एक नहीं था, पूरी व्यवस्था नहीं था, एक अस्पताल नहीं था, 2 महीने के बाद क्वारंटाइन नहीं हो पा रहा है, 2 महीने के बाद खाना नहीं खिला पा रहे हैं, आत्महत्या हो रही है, कोई बात नहीं है, जितनी अच्छी क्वारंटाइन में आत्महत्या हो रही है, कहीं नहीं है, पेपरों में आ रही है, सबसे अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है, आत्महत्या हो रही है क्वारंटाइन सेंटर, छत्तीसगढ़ में एक ही व्यक्ति की मौत नहीं हुई है कोरोना से, अरे ये पेपर में सबसे बड़ी बात ये है, 6-6 पेपर में, अरे देश के सभी राज्यों की तुलना करिए, तुलना नहीं, क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या हो रही है, सुसाइड हो रहा है, इनको तो स्थिति है छत्तीसगढ़ की, त्रिपाठी ये पर्दे के पीछे डाल के हमको भी सुन लीजिए, हमको बोल दीजिए, संजय जी बल्याणी जी बहुत देर से बल्याणी सुन ले, बल्याणी जी आप बोल रहे हैं कि सभी 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 प्रदेशों से अच्छी स्थिति छत्तीसगढ़ की है, ये समय ये नहीं है कि हम खुद वाहवाही लूटे, वो इत्तफाक है कि आपके यहाँ वाहवाही नहीं लूट रहे हैं, मेरा ये कहना है कि हमने नियंत्रण के लिए भरपूर काम किया है, इत्तफाक है, किसी भी संक्रमण से मौत नहीं हुई, हाँ बिल्कुल, ये इत्तफाक है, गए हैं लोग, ये इसके लिए ये हमारी उपलब्धि है, हम कोई इसमें ये उपलब्धि, अरे रमेश ये हमारी तैयारी का नतीजा है, एक मिनट मेरी बात सुन ले, ये उपलब्धि इसलिए नहीं है, तैयारी का नतीजा है हमारी, जी 6 मौतें के 6 मौतें पेपर में आई है, कोरोना से नहीं हुई, कोरोना से नहीं हुई, कोरोना से बाहर से जो संक्रमित आए हैं समय पर नहीं आए, बल्याणी जी
ये मतलब मौत नहीं हुई, अच्छी बात है मौत नहीं हुई है, लेकिन ये जब वैक्सीन ही नहीं बनी तो आपने कौन सी तैयारी से उनको ठीक कर दिया? अरे उनका इम्यूनेशन पावर अच्छा था, जो आपके यहाँ गए हैं जो एडमिट हुए हैं एम्स में, मैं आपके एम्स के डायरेक्टर से भी बात की है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अच्छी बात ये रही है कि जो हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट आए उनकी उम्र 30 से 55 के बीच में थी, उनका जो इम्यूनेशन पावर था वो उनका अच्छा था, इस कारण हम उनको ठीक करने में जल्दी सफल हो गए। वैक्सीन ही नहीं बनी तो हमने क्या तैयारी की थी? खैर छोड़िए इस बात को, लेकिन ये जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, संजय जी सवाल उठा रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं नहीं है, मैं संजय जी के जहां सरकार है जिन राज्यों में वहां की भी क्वारंटाइन की स्थिति देखी है, बाथरूम में क्वारंटाइन कर दिए गए हैं मजदूरों को, संजय जी आपकी भी जहां सरकार है, लेकिन बल्यानी जी बाकी सरकारों से छोड़ दीजिए, कम से कम छत्तीसगढ़ में अभी मात्र 150 पेशेंट आए हैं जिसमें बहुत सारे ठीक होकर चले गए हैं, एक्टिव 100 से भी कम है, तो कम से कम क्वारंटाइन सेंटर में तो आप ध्यान देते, लोगों को खाना पहुंचाते, क्यों भाग रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर से पेशेंट? जी त्रिपाठी जी, जी मैं आपको बता दूं जी, क्वारंटाइन सेंटर में सारी व्यवस्थाएं हैं जी, वहाँ बाकायदा ड्यूटी लगाई गई लोगों की, वहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था है। संजय जी कहे तो मैं उनको क्वारंटाइन सेंटर का मुआयना करा दूं जी, और मैं बता दूं जी कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जी, वो 2 महीने के भूखे प्यासे उनका इम्यूनिटी पावर खत्म हो चुका है जी, और जिन राज्यों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जी, केंद्र सरकार को ये व्यवस्था करनी थी कि ट्रेन में चढ़ने के पहले उन प्रवासी मजदूरों का मेडिकल चेकअप प्रॉपरली हो जाता जी, और संक्रमित मजदूरों को रोक के वहाँ इलाज करा लेते इसके बाद भेजते, तो ये पूरे जो देश भर के अलग अलग राज्यों में आज संक्रमण की स्थिति बन रही है वो नहीं बनती जी। तो इस सारी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की थी, तो समय रहते सारी व्यवस्था को इंतजाम नहीं दे पाया, और आपने सही फरमाया यदि लॉकडाउन के पहले मजदूर घर जाते तो उस समय उनके पेट में दाना था अनाज था, वो उनको 24 उनको दोनों समय का भोजन प्राप्त था, वो अपने पैसे से ट्रेन से चले जाते कोई दिक्कत नहीं होती, और जो आज जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां नहीं बन पाती। लेकिन संजय जी जो सवाल उठाया है देश के सामने, संजय जी जो सवाल उठाया है कि आपके पास किट नहीं थी, अरे इसका आगाज जो यहाँ कोरोना ने अपना इस देश में बहुत पहले कर दिया था, तुरंत ही आप उसको संज्ञान लेकर के किट बुलवाते, पीपी किट बुलवाते, उसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर आइसोलेशन सेंटर ये सारे अलग अलग वो कर लेते, हालांकि आपके यहाँ एम्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं वो तो वाजिब सवाल है कि क्वारंटाइन आपने कहा ड्यूटी लगाई, ड्यूटी इस बात की लगाई है पुलिस की कि भागने न पाए वो, इस बात की नहीं लगाई कि खाना बांटे। त्रिपाठी जी सारी व्यवस्थाएं करी है, कोई किट की कमी नहीं होने दी जी, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जी व्यक्तिगत रूप से पूरी मॉनिटरिंग की है जी, और आज जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मरीज स्वस्थ हो रहे हैं जी, तो सारी किट की व्यवस्था है जी, और तो और हमने दक्षिण कोरिया से वो मंगाया जो फास्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जो इंजेक्शन आते हैं जी, जी, ताकि हमको मालूम पड़ जाए, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टेस्ट हो रहे हैं जी, अभी तो नए नए जो प्रयोग का मिल रहा है उसको भी किया जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ संक्रमण से बचा हुआ है इन प्रकरणों में, सारे सुविधाएं सारे क्वारंटाइन सेंटर्स में पूरी व्यवस्था है। बचा कहाँ है? वैक्सीन तो है नहीं, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन दे करके आप जो भी कर सकते हैं उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये खुद आपके एम्स के डॉक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आए थे जो आपने पूरी तरह से बोला कि कोरोना मुक्त हो गया है छत्तीसगढ़, वो सिर्फ उनके खुद के इम्यूनेशन पावर के कारण, वो प्रतिरोधक क्षमता उनपे थी जिसके कारण वो ठीक हो गए, ये खुद एम्स के डॉक्टर ने कहा कि इसमें सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, इसमें कहाँ आपको लगता है? नहीं नहीं सवाल ये है जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए छत्तीसगढ़ में उसकी सारी व्यवस्थाएं की है, चाहे जगदलपुर हो चाहे रायपुर हो चाहे बिलासपुर हो चाहे रायगढ़ हो जी, अभी सारा डिसेंट्रलाइज किया गया है जी, तो आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी संक्रमित मरीज आएगा स्वस्थ होकर जाएगा। चलिए इस तरह की सारी व्यवस्था है संजय जी, जो भी आएगा स्वस्थ होकर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं नहीं आपको लगता है, मैं प्रधानमंत्री जी पे आक्षेप नहीं किसी पे नहीं लगाना सकता हूँ, जो जो तुरंत लॉकडाउन किया गया है, कहीं ना कहीं हिकमत अमली
हिकमत अमली मतलब दूरंदेशी का कहीं न कहीं अभाव नहीं दिखा आपको थोड़ा सा कि अगर जो मजदूर फंसे हैं उनको पोले आखिर ये स्थिति निर्मित जो हुई है 14-14 मजदूर 16-16 मजदूर कट के मर जाते हैं सिर्फ इस बात पे कि वो घर पैदल चले हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा आपको नहीं लगता है कि हिकमत अमली का कहीं अभाव था? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, हर एक व्यक्ति की सभी की इच्छा थी कि हर व्यक्ति अपने घर पर पहुंच जाए, ऐसे विपदा के समय घर पर पहुंचे से कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन आखिर इस पर भी चर्चा करना पड़ेगी, ये कोरोना संक्रमण कोई हर 2-5 साल पीलिया नहीं है, चेचक का नहीं है, हैजा नहीं है, ये कई वर्षों के बाद सैकड़ों वर्ष के बाद इस तरह की विपदा जो देश के साथ साथ दुनिया के अंदर में आई है और ऐसे समय में जो वर्ल्ड WHO की जो गाइडलाइन है, तमाम प्रकार के जो देशों के साथ में जो बातचीत है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सामान्य सी सोच है कि यदि मान लीजिए देश के अंदर में यदि संक्रमण फैला है और वो संक्रमण फैल कर यदि लोग अब जा रहे हैं अपने अपने, यदि वो संक्रमित मरीज, मैं बहुत ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं, पीपी स्विच की बात करें या टेस्टिंग किट की बात करें, क्वारंटाइन सेंटर की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ में केवल एक महीने तक तो केवल एम्स था, कोई दूसरा अस्पताल नहीं था जांच के लिए, ये स्थिति छत्तीसगढ़ में थी। तो एक मेरी बात सुन लीजिए, देखिए, और ये सरकार तो पहले कहती थी 6 महीने पहले हमने कोई पलायन नहीं किया, सब लोग मजदूर यही काम कर रहे हैं, ये तो खुलासा हो गया कोरोना के बहाने की कितने लोग बाहर है। तो मेरा कहने का मतलब हो सकता है, मैं नहीं कहता, कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि ऐसे सैकड़ों मरीज जो यहां आते और टेस्ट नहीं हो पाते, क्वारंटाइन में कोई सुविधा नहीं थी, तो शायद वो संक्रमण जो आज गांव तक नहीं फैला है वो संक्रमण शायद फैल सकता था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं आज एक और खुलासा कर रहा हूं कि आज छत्तीसगढ़ में ये केवल संख्या हमारा 0 है 2 है 5 है, आज भी लाखों की संख्या में लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है। जितनी टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में हुई है, कर्नाटक में हुई है, जितनी बातें कर रहे हैं, स्वीकार्यता नहीं है, स्वीकार्यता सारी व्यवस्था अपने यहाँ की, इन्होंने जो टेस्टिंग और इनके यहाँ सुविधाओं का अभाव है, ये चाहते हैं कि कोई एक मरीज भी बाहर नहीं आए। और 4-6 मरीज तो ऐसे हैं, सूरजपुर का किस्सा बताता हूँ, एक मरीज मर जाता है, बात आती कि पीएम होना लेकिन नहीं करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो है जिसने इलाज किया था उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, लेकिन उस मरीज का पीएम नहीं होता है कि कहीं वो कोरोना संक्रमित ना निकल जाए और कहीं खाता ना निकल जाए। केंद्र की गाइडलाइन आई है, ये स्थिति है, पोस्टमार्टम नहीं होना है। अभी एक मिनट, गाइडलाइन दूसरा रायपुर सर रेड जोन था, इन्होंने 8 दिन पहले मांग करी कि जोनों को निर्धारित करने का अधिकार राज्य को मिले, आज 7 दिन हो गए सरकार ने दिया है, आज तक जोन निर्धारित नहीं कर पाए कि कौन सा रेड है, कौन सा ऑरेंज है, कौन सा ग्रीन है, केवल सवाल उठाने का काम है लेकिन अपने स्तर पर काम करने का नहीं। 7 दिन हो गए जोन निर्धारण नहीं हुआ आज तक। जी 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 संजय जी, निश्चित तौर पर ये सरकार का दोष नहीं है कि पोस्टमार्टम हो पाया नहीं हो पाया। अरे 16-16, 17-17 महिलाएं या फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है, गलत हो जाता है, मर जाती है, ये नहीं सर, वो ठीक है, वो मैं नहीं कह रहा जी, लेकिन जहां पर आ रही है जी, चलिए हमारा समय, संक्रमण को लेकर 14 दिन क्वारंटाइन करना पड़ता है, वो डॉक्टर को क्वारंटाइन किया गया जिसने इलाज किया, हजम नहीं हो पा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना, अरे हो गया, 150 नहीं हो पा रहा है, एक हफ्ते के अंदर में 150 हो गए, चलो तो प्रवासी मजदूर का प्रवासी मजदूर हो गए, तो बाहर वाले लोगों के कारण प्रवासी, अरे तो वो वही तो थे पहले मजदूर, माफ करिएगा, समय हमारा समाप्त हो गया है, समय हमारा समाप्त हो गया है। हमारी संजय जी की, आपकी सभी की दुआ है इस बात की कि छत्तीसगढ़ जिस तरह से शुरू में कोरोना मुक्त हुआ था, कुशवाहा जी से भी बात करवाए त्रिपाठी जी, फिर से कोरोना मुक्त हो जाए, कुशवाहा जी को मौका ही नहीं मिला, जो प्रखर प्रवक्ता दो बैठे हैं उसमें कुशवाहा जी बेचारे मौके ही नहीं मिल पाए। चलिए कुशवाहा जी, आपका कमेंट जरूर, संजय जी ने कहा है, कुशवाहा जी आप देखिए, दोनों वक्ताओं की बात से ये तो साफ है कि चूक हुई है जी, केंद्र स्तर पर भी हुई है और राज्य सरकार स्तर पर भी हुई है जी। अब जो मजदूरों को लेकर जो प्रयास अब किए जा रहे हैं, ये पहले किए जाते तो और बेहतर होता और किया जा सकता था जी। ऐसा नहीं कि सरकारों को पता नहीं था, अधिकारियों को पता नहीं था, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आने लगी थी, लेकिन जब हंगामा मचा, जब मजदूरों के ट्रेन हादसे से घटनाएं हुई, जब बवाल मचा या विपक्ष जब खड़ा हो गया, तो सरकारें चेती हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात करें विशेष तौर पर, अब जो मजदूर प्रवासी मजदूर जो आ चुके हैं, इनसे चेन सिस्टम ना बने, मल्टीप्लाइड ना हो,
ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है, इस पर सावधानी की जरूरत है। चलिए एक बार आप दोनों से मेरा अनुरोध है, जो हमें सामने आ रही है बातें खुलकर के, निश्चित तौर पर कोरोना को तो आदमी हरा दे रहा है, कोरोना वायरस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको कोरोना हो गया है वो ठीक हो गया है पूरी तरह से, उसका जिस तरह से सामाजिक बहिष्कार टाइप हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, उसके उसके पड़ोसी उसके लोग उससे बात करने में डर रहे हैं, सुनने में डर रहे हैं, कम से कम आप जैसे लोग अगर इस पे पहल करेंगे तो उनका सामाजिक बहिष्कार, एक बीमारी से जूझ के आया है और ठीक हुआ है, उसके बाद सामाजिक बहिष्कार तिरस्कार के जैसा होगा, उस पे आप लोग थोड़ा सा पहल करेंगे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, रमेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को ही कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। संक्रमितों को में ज्यादातर लोग प्रवासी मजदूर हैं, मतलब साफ है कि अब श्रमिकों के जरिए कोरोना प्रदेश में पांव पसार रहा है। बीते कुछ दिनों में हजारों की संख्या में मजदूर दूसरे प्रदेशों से आए हैं, ऐसे में कोरोना का ये मिनी विस्फोट आने वाले समय में बड़े विस्फोट का रूप भी ले सकता है। जरूरी है कि इस भीषण संकट के समय राजनीति के बजाय वायरस पर मार करने के लिए ठोस विकल्प तलाशे जाएं। अगर इसी तरह जुबानी जंग होती रहेगी, पार्टियां एक दूसरे के जिम्मेदार ठहराती रहेंगी, तो फिर किलर कोरोना को कयामत ढाने में समय नहीं लगेगा। वहीं लोगों को भी चाहिए कि वो शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि अभी तो सावधानी में ही बचा है। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद